हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं दोबारा से वेलकम करता हूँ अपने इस लेक्चर में। ये अभी जो हम जे मेंस की सीरीज शुरू की है, जो हमारे प्रीवियस सीरीज क्वेश्चंस हैं, हमने टॉपिक शुरू किया कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं पहले सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जनरली आते रहते हैं पेपर में। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ईजी टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखते हैं अब क्या है। एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसके ऊपर मैं दो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पुराने पेपर में है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, आप पेपर पुराने बना के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा का मॉड 1 के इक्वल है, ठीक, तो लोकस ऑफ z क्या होगा। लोकस का मीनिंग क्या है, ठीक, साथ साथ में आप नोट भी करते जाइएगा कि जो ये वर्ड का मीनिंग है। लोकस का मीनिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बनाएगा। जैसे सपोज हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। एक्चुअल में इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स। लोकस क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट्स, और जब वो मिल जाते हैं तो वो बाउंड्री बन जाती है। ये तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इस कंडीशन में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डालेंगे तो उसका लोकस है, मतलब कि जो भी पॉइंट बन रहे हैं वो क्या बना रहा है, वेदर वो सर्कल बना रहा है, वेदर वो लाइन बना रहा है, क्या बना रहा है। ये क्वेश्चन है कि जब आप इस चीज को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बना रहा है। तो सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। x एक्सिस बना रहा है, वाई बना रहा है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 बना रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेगा। ये क्वेश्चन आपका z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा is equal to 1, या क्रॉस क्वेश्चन है, ठीक। z की वैल्यू पहले मॉडुलस न्यूमिरेटर को भी लग जाएगा और डिनोमिनेटर को भी लग जाएगा, ये मॉडुलस दोनों को लग गया, is equal to 1, ठीक। अब ये जो डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई हो गया, तो z माइनस आयोटा is equal to z प्लस आयोटा। अब z में वैल्यू डाल दो तो क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा, और z में वैल्यू डाल दूंगा x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल जब भी सॉल्व करना हो तो रियल को इकट्ठा कर दो और इमेजिनरी को एक साथ कर दो, y माइनस 1 और ये कितना आ गया, x प्लस आयोटा y प्लस 1। तो आप देख सकते हो कि जो रियल पार्ट है उसको मैंने एक साथ लिख दिया और इमेजिनरी को एक साथ, रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम मॉडुलस को सॉल्व करते हैं तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अंडर रूट ऑफ रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस वन का स्केयर, और ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस वन का स्केयर। अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस वन का स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस वन का स्केयर। एक्स स्केयर भी क्या हो गया, कैंसिल। देखो इस इक्वेशन में x तो है नहीं, तो ये तो गया, ठीक है, x इज इक्वल टू करना, x तो है नहीं तो x वाला वेरिएबल आएगा नहीं, तो मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस y, ये कितना आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस y, y स्क्वायर प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 1 भी कैंसिल, ठीक, ये कितना आ गया, माइनस 2y प्लस इज इक्वल टू 2y, ये 2y उस तरफ चला गया तो कितना आ गया, 4y is equal to 0, और ये आ गया y is equal to 0। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया y is equal to 0। अगर आपका y is equal to 0 आ रहा है तो आपको हमें पता ही है कि y is equal to 0 किस पे होता है, x-axis पे। x-axis पे क्या होता है, y is equal to 0। तो आप हम बोल सकते हैं कि y is equal to 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x-axis। तो आपका ए ऑप्शन ठीक है और बी सी और डी हमने एलिमिनेट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पे लोकस के बारे में पूछा जाता है। ऐसे कोई भी इक्वेशन दे देगा, जैसे इधर आपकी लाइन बनी, क्या होता आपका एलिप्स बन जाए, ठीक है, मगर कंडीशन ऐसे देगी। अब कोई बोले कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिप्स बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिप्स नहीं बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक पॉइंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक पॉइंट। जैसे हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले, 2 प्लस 3 आयोटा, तो वो कहीं इधर आई करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए पॉइंट, मगर इट इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज ए कंडीशन इन विच वी यूज द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर पुराने पेपर में आया हुआ है, जेईई मेंस के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, थोड़े
लेवलिंग का भी रोल लो है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इनका लेवल में इंक्रीज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप, अब आप एक चीज कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद ये नोट कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले नोट करने से पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा कि आप खुद निकाल सकते हो, और फिर उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके मेरे लेक्चर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स।